1 2, इससे आपकी बैक भी खींचेगी। पीछे से देख लो एक बार, जिनके बैक में स्टिफनेस रहती। अभी इससे बहुत बढ़िया कार्डियो निकलेगा, अभी ये सिर्फ हम मसल्स को वार्म अप कर रहे हैं, राइट? तो आराम से, ठीक है? अगर किसी को लेग पेन बहुत ज्यादा हो रहा है तो मेरी तरह चेयर पे बैठ जाओ, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, हर तरीके से मैं बताऊंगी, ठीक है? चेयर पे बैठ के आपने क्या करना है, जिनको बहुत ज्यादा लेग्स में पेन है वो, बाकी नहीं तो ऐसे करेंगे बिल्कुल। अभी इसी से कार्डियो वर्कआउट निकलेगा, ये प्राइमरी मसल्स को हम एक्टिव कर रहे हैं, जिनको बहुत ज्यादा नी पेन रहता है, बैक पेन रहता है। दूसरी तरफ से तीन तीन तरीकों से मैं बता रही हूं, जिनका वजन 80-90 किलो है वो ऐसे करेंगे, अदरवाइज फाइनेंशियल तुम इधर आओ, क्योंकि ये पतली हो गई, इसने 8 किलो वजन कम कर लिया, बॉडी पे एक्टिव है और 30+ है एज, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है। तो आप करोगे हल्के से बाउंस के साथ करोगे, अगर आपका एज 20+ है या 30+ है, ये देखिए इसी एक्सरसाइज को। नहीं नीलम गोयल तेज निकल हो गया, अभी आपके नीज में पेन है, हाँ आप आराम से बस ये रिलैक्शन करोगे। तो दोनों तरीके मैं बता रही हूँ, जिनको अभी 15 दिन नहीं हुए हैं वो सिर्फ ये करेंगे, जो 8-10 किलो वजन अपना कम कर चुके हैं वो इनको फॉलो करेंगे, जो 90 किलो के हैं वो मुझे चेयर पे बैठ के फॉलो करेंगे। और आपके पेट की एब्डोमिनल मसल्स भी, आपका फैटी लीवर भी, आपका डाइजेशन भी, गुड़िया इधर से दिखा दो एक बार, आपका डाइजेशन भी, फैटी लीवर भी, वेरी गुड, वेरी गुड। थक जाओ तो बैठ जाओ नीलम गोयल जी, एक एक एक्सरसाइज के बाद आप बैठोगे, बैठो पहले, बैठो बैठो, बस रुक जाओ, सांस लियो आप गहरा, सेकंड एक्सरसाइज पहले देख लो एक बार, अभी करोगे नहीं, जिनके पैरों में दर्द है बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है? दोनों हाथ कमर पे, राइट हैंड मेरा, राइट लेग, क्या करेंगे ध्यान से देखिए, पूरी साइड का स्ट्रेच, बैक पेन 1 एंड 2, यही रोक दिया, फिर से देख लीजिए एक बार। नीलम जी बैठो पहले, पहले बैठो, बैठो, एक एक्सरसाइज करके जिनको नी में पेन है मैं उठने नहीं दूंगी, गिनती के 10 एक्सरसाइज कराऊंगी, लेकिन 10 में पूरी अंदर तक घुस जाएंगी वो एक्सरसाइज, क्योंकि 50 एक्सरसाइज करोगे सिर्फ कंफ्यूजन हाथ लगेगा, लेकिन जो लोग पहले से कर रहे हैं उनको मैं जरूर बताऊंगी, उनको आगे बढ़ाना है, ठीक है? तो पूरी कंप्लीट वर्कआउट होता है, फुल बॉडी वर्कआउट, इस एक्सरसाइज के बाद अभी, क्योंकि नी पेन में अभी आप नीलम गोयल जी आप ये करोगे, तुम वो भी करो, क्योंकि इनको हो गया काफी टाइम, अभी आपको मेरे साथ 2-3 दिन हुआ, ठीक है? 1 2, इसमें आपकी धीरे धीरे लेग स्ट्रेंथ के लिए, लोअर बॉडी शेप के लिए, जितना जितना पैर ऊपर उठेगा उतना उतना आपका साइड का कट, इसी में आपका साइड वैली फैट भी जाएगा। एक्शन समझ आ रहा है या दोबारा बताऊं? जिनके नी में पेन है वो सिर्फ चेयर पे बैठ के ये करेंगे, दोनों तरीके मैं बता रही हूं, ठीक है? जिनको नी में पेन है वो दूसरी तरफ से करो, थोड़ा इधर हो जाओ, जिन लोगों को मेरे साथ 15-20 दिन हो गए हैं वो इनको फॉलो करेंगे। फिर नीलम जी ये पैर ऐसे रखा चेयर पे और इसको इतनी स्लो एक्सरसाइज चलेगी आपकी, आपका सब कुछ नहीं चलेगा, आने वाला बंदा कहता है मैं स्लो एक्सरसाइज पूरी कर दूं बाद में देखा जाएगा, नहीं बाद में नहीं अभी देखा जाएगा। अब इसमें बताओ आराम से झूला झुलाओ ना, थाई पूरे थाई जॉइंट्स खुल रहे हैं आपके,
ठीक है ना रूबी जी, बढ़िया। दूसरे को नहीं टपना कि भाई ये ऐसा कर रहे तो मुझे भी ऐसा करना, नहीं एक बंदा उल्टा हो जाओ जी, हो जाओ उल्टे बंदे तुम सीधा करो, ये उल्टा रंग दिखाएंगे, वन टू, सीधे उल्टे सब दिखाएंगे आपको। कमर पे हाथ रखो ऐसे, पतली पतली कमर पे हाथ रखते हुए हंसते हंसते हुए सेशन लेना है, जोर नहीं डालना बॉडी पे, बिल्कुल नहीं जोर डालना, हंसते हंसते करना है सेशन को, कि एंजॉय करने, क्या अपनी बॉडी को तो एंजॉय करना है, चाहे आप मोटे हो चपतले, गीला तो है ना, जैसा ये ठीक है। टेंशन किस बात की गुड़िया, मम्मी से कहते हैं ना टेंशन ना लें। मैम बैक पेन स्टार्ट हो रहा है लोअर बैक में, तो और कर लो ऐसे, जो मैं बैठी हूँ मैं तुम्हारे लिए तो बैठी थी कि बैक पेन ना हो, मेरे को तो देखा नहीं, इनको फॉलो करना शुरू कर दिया तो बैक पेन तो होगा, आप मेरी तरह बैठो ना, मुझे पता है कि कब हो सकता है आपको बैक पेन, बिल्कुल नहीं होगा, बस 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 बहुत हो गया। चलो जी बैक पेन के लिए बता दे, बैक पेन हो गया तो मैं बार बार कहती हूँ अपनी बॉडी को जब तक रीड नहीं करोगे बात नहीं बनेगी। अगर आपको किसी हाथ को उठाने में पैर को उठाने में प्रॉब्लम हो तो स्टॉप, अभी तैयारी और चाहिए। तो जिनको बैक पेन हो रहा है उसका इंतजाम कर देते हैं। चलो बैक पेन के लिए अगर प्रॉपर योग में जाना चाहते हो, ये एक्सरसाइज बैठ के भी हो सकती है चेयर पे भी, तो वो ये है, इसमें 5 काउंट्स में होल्ड करते हैं, 1 2 3 4 5। अभी 3 पोज इसलिए बता रही हूँ ताकि आप देख चेक कर सको कि आपको क्या है। ये है फ्रोजन शोल्डर के लिए, ये हल्का सा कमर को ये साइड में किया और 1 2 3 4 5। दूसरी योग की एक्सरसाइज है हाथ, अभी तुम रुक जाओ, हाथ लग जाएंगे एक दूसरे को, एक इसमें कमर दर्द वालों को स्ट्रिक्टली मना है, जिनकी ये स्टिफनेस है वो सिर्फ इतनी स्लोली जा रही, कमर दर्द बढ़ सकता है तेज करने से। तीसरा कार्डियो इसके साथ क्या है, पैर को पैर के साथ हाथ ले जाने, कैसे पांच बार करने के बाद ये तीसरी एक्सरसाइज, जिनको घुटने का पेन है बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना है। नीलम गोयल जी आपको भी पेन है घुटने में और आप ये एक्सरसाइज कर लो, स्ट्रिक्टली मना है। ये मैं बार बार इसीलिए कहती हूँ, इन इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से सुनो, 10 दिन अगर आपने इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुन लिया कुछ नहीं होगा आपको, एक्सपीरियंस हो जाएगा बॉडी का। तो 3 एक्सरसाइज में तीनों रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज पहले स्लोली कंधे के पास, जिसमें आप चेयर योगा में बैठे बैठे 1 2 नहीं अभी वहीं होल्ड करो, 1 खींचो हाथ को, 2 ये गुड़िया तुम्हारा शोल्डर हैवी है ना तो तुम ऐसे करो, 1 2 3 4 5 आ रहा है, एप्स पे भी आएगा इसका असर, ठीक है, 1 2 3 4 5। फिर दोबारा, हाँ नीलम गोयल जी समझ आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, 1 हाँ समझ आ रहा है नीलम जी, कोई दिक्कत तो नहीं, वेरी गुड। इसको हल्का सा ना हाथ को ऐसे कर लेना है, इससे हमारा फ्रोजन शोल्डर, कई लेडीज को ऐसे हाथ उठाने में प्रॉब्लम होती है, तो पहले ये, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हर बार सांस को बाहर निकालना है, राइट, वेरी गुड। बिल्कुल चिंता नहीं करना, चेहरे पे स्माइल रखते हुए, स्माइल कम नहीं होनी चाहिए, हाँ जैसे खाते हुए बड़ी खुशी होती है होटल पे बैठ के टेबल पे है, कुछ आ नहीं रहा तो वैसी खुशी इस टाइम होनी चाहिए। पर लोग कहते हैं कि वजन कम करने के बाद चेहरा सिकुड़ जाता है या काला पड़ जाता है, हमारे मेंबर्स का देखो क्या चमक रहा है फेस, देखो सारे मेंबर्स का कैसे फेस चमक रहा है, देख रहे हो, और कितनी खुशी। तो लोग जिन लोगों ने एक्सरसाइज को बहुत हैवी बना लिया, बहुत तकलीफ और मोटापा, नहीं नहीं उस जैसा भी शरीर है, खट्टा तो मीठा तो कड़वा तो, एंजॉय करो,
एक एक पल एंजॉय करने के लिए। फिर तीसरी एक्सरसाइज मैंने कौन सी बताई है? तीसरी एक्सरसाइज भूल गए, मैं बता दूँ, यही बता दूँ, यही रखना। नहीं ये लीजिए, ये लीजिए, तीसरी एक्सरसाइज है, ध्यान से देखिए। ये हमारे दोनों हाथ है, ठीक है। अब मैं राइट पैर मोड़ रही हूँ अपना, ठीक है। क्या स्ट्रेच आ रहा है पूरी कोर मसल्स। अभी मैं वन बाय वन इसलिए नहीं कर रही कि कंफ्यूजन में चले जाओगे आप। अभी तीन काम एक साथ हुए हैं, पैर पीछे गया है, हाथ साइड में गए हैं, सांस को बाहर छोड़ा। फिर से देख लीजिए, घुटने में दर्द है चाहे कमर में दर्द है, तो आप क्या करेंगे, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, दूसरी तरफ से कर लीजिए, थोड़ा सांस को बाहर निकालो, पेट को इसी में ना अंदर कर दो, ताकि बाह्य कुंभक इसी में हो जाए। बाह्य कुंभक के 50 फायदे हैं, जिनको नी पेन है वो चेयर पे बैठे बैठे। अगर आपको लगता है कि एक घंटा पता नहीं लगा, तब तो समझो आपने सेशन को एंजॉय किया है। अगर आप बीच बीच में घड़ी देखते हो, तो समझ लो अभी आपका ध्यान एक्सरसाइज पे नहीं है, आपका यह कि कब खत्म होगी क्लास। और एक घंटे से पहले तो छोड़ूंगी नहीं, चेयर बंद करे या ना करे। बस रिलैक्स, फिर एक बहुत प्यारी चीज, कमर दर्द में भी कर सकते हैं, बैक पेन में। पहले देख लो इसमें क्या करना है, हमने थोड़ी सी चेयर की जरूरत पड़ सकती है, जिनको पहले बिना चेयर के देख लो, ठीक है। ये हम खड़े हैं सीधा, क्या किया हमने, हल्का सा बैक में आराम आएगा, जिनको बैक में पेन है वो इसका हाफ पोस्चर ही करेंगे। वेरी गुड नीतू जी, कि एक घंटे का पता ही नहीं चलता, वेरी गुड। हाँ तो जिनको बैक पेन है वो सिर्फ इसका आधा पार्ट करेंगे, कैसे, फिर यही नीचे रखा और टू, फिर वापस आए थ्री। अभी पूरा खींचना पड़ता है, तो झटका नहीं मारना, क्या करना है, फिर वापस आए एंड टू, एक ही पैर से पांच बार, समझ आ गई तुझे। हाँ वेरी गुड। हाँ जो चेयर पे बैठे हैं आप प्रीति जी, वॉल पे पीछे हाथ लगा दो, ये थ्री, हाँ एक साथ करो, तुम गड़बड़ क्यों कर रहे हो, रुको पैर का उठा है तुम्हारा, पीछे जाते पैर उठना चाहिए ऐसे, और ये आगे वाले पोर्शन को भी थोड़ा सा पीछे की ओर ले जाइए, वन, फिर वापस आओ, नहीं वापस वापस आओ, पहले फिर से मेरे को देखो एक बार, ये हम सीधे खड़े हैं, ठीक है, ये हाथ यहां है, ये देखो कंधे देखो कमर देखो, वापस आए और जैसे ही नीचे जाना शुरू करेंगे टू, ठीक है, फिर से एक साथ करोगे, अच्छे से देख लीजिए। बहुत प्यारा स्टेप है ये, देखिए पैर की ऊंचाई देखिए, फिर धीरे से सांस को छोड़ते हुए बैक की स्ट्रेंथ के लिए, हाँ इसमें चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें चाहिए घुटना सीधा। एक बार मैं फिर से करके दिखाऊं, अभी गड़बड़ कर रहे हैं ये लोग। उससे पहले मैं एक चीज और बताती हूँ, गुड़िया पकड़ना, तुम चेयर लेके आओ गुड़िया, बिंदु चेयर लेके आओ, क्योंकि काफी लोगों को मैं देख रही हूँ, जब मेरे साथ जो मेंबर खड़े हैं उन्हीं का पैर मुड़ रहा है तो जूम पे, तो उसके लिए ना पहले आपको ये वाली प्रैक्टिस करनी होगी। ये प्रीति जी आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो चेयर पे यूं करा और चेयर भी जाए और आप भी जाओ, आगे बैठो चेयर पे, हम लोग तो बैलेंस कर लेंगे, लेकिन ऐसा ना हो, अब ये बंदा बैठ गया है तो चेयर उठेंगे नहीं, ठीक है, ये थोड़ा सा गैप है ना। अब ये देखो घुटना सीधा, वन टू थ्री,
थाइस पे मेरा घुटने का स्ट्रेच बहुत अच्छा पड़ रहा है। चलो जी एक जना बैठेगा, एक जना करेगा, उठो। हाँ बिंदु पकड़ो। जो चेयर पे बैठे है टाइम वेस्ट नहीं करना, इधर आओ। शेफाली जो चेयर पे बैठेगा वो ऐसे कर लेगा, फिर तुम पलट जाना। बैठो, तुम अपना ये वाला कर दो इतने। हाँ गुड़िया तुम इधर आ जाओ, गुड़िया इधर इधर आ जाओ, बस अब तुम चलो। हाँ बिल्कुल आराम आराम से, थोड़ा और स्ट्रेच फील करो बिल्कुल, ये इनर थाइस पे, ये जब पैर उठता है अब इसमें कोई दिक्कत हो रही है? बस पैरों की स्ट्रेंथ भी आएगी, बैक भी, डायबिटीज भी, और जो चेयर पे बैठे हैं वो ऐसे करेंगे। अपने साथ इधर दिखाओ, अपने साथ बैठने की बस मंशा होनी चाहिए, एक मोटिवेशन हाई होना चाहिए कि वजन कम करना है, आपका जीवन बहुत हो गया बीमारी में, स्टिफनेस में, लेजीनेस में, खाने में। जब तक ये विचार आपका खुद का तैयार नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। तो देख लीजिए बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, सिंपल से सिंपल बता रही हूँ। चाहे आप 90 किलो के हैं, चाहे आपका पैर नहीं उठता, कमर नहीं उठती, सब कुछ उठेगा, लेकिन बिल्कुल तन्मयता से 1 घंटा अपने ऊपर लगाना होगा। तुमने इतनी अगर वो एक्सरसाइज कर ली तो तुम दूसरी करो। तुमने क्या करना है, अगर तुम थक गए हो तो तुम दूसरी करोगे, क्या करोगे? 1 2 3 4 तुम ये करो, तुम ये, जिन लोगों की चेयर वाली हो गई है वो ये कर लेंगे। सामने देख लीजिए, केबली भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है साइड्स के लिए। और अगर 2-4 एक्सरसाइज नहीं भी हुई तो कौन सा, कोई सर्कस में जाना है हमने, हाँ नहीं हुई तो छोड़ दो, बहुत बढ़िया। तुम एक बार स्ट्रेच करके दिखाना तुम्हारा पैर, तुम बैठे रहो। हाँ एक बार तुम भी इस पे सहारा करके दिखाओ, तुम बिना उसके बोलो, मैंने दिखाओ एक बार। नहीं नीचे वाला पैर मुड़ रहा है, इधर आओ चेयर के, इसका बॉल का सहारा ले सकते हो? नहीं चेयर की हेल्प लो, उससे एक अलग स्ट्रेच आ रहा है। अब पैर सीधा हुआ ये वाला, हाँ और पास, और ऊपर, और ऊपर, जितना आपका बैक का और हिप का स्ट्रेच है फील करो जरा उसे, और ऊपर और ऊपर, फिर दोनों हाथ नीचे जैसे ये। अब आया स्ट्रेच, आया, दूसरी तरफ से करो, वो अलग एक्सपीरियंस था ये अलग है। 1 और ऊपर, 2 3 4 5 6 7 8 9 और दोनों हाथ नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 relax। 20 सेकंड का रेस्ट, ये चेयर उठा लो, बस चेयर उठा लो। नीलम जी कोई दिक्कत? वेरी गुड मैम, मेरा नी पेन कम हुआ है, बहुत परेशान थी। अरे वाह वेरी गुड जी, क्लैपिंग कर दो इनके लिए जो इतने प्यारे प्यारे मैसेज भेजते हैं कि नी पेन कम हुआ है। नी पेन अंतस्योग से ज्वाइन करके नी पेन रह जाए मतलब ही नहीं, इतना एक्सपीरियंस हमारा किस काम आएगा। आओ जी पकड़ो जी, नी पेन के लिए 2 एक्सरसाइज और बता दूं, आप यकीन मानिए 100% जाएगा आपका। आओ ये तो सिंपल एक्सरसाइज है, नी पेन की तो जिसने 5 एक्सरसाइज एड ऑन कर ली जिंदगी में कभी नहीं, क्योंकि मेरी उम्र भी 55+ है और तुम देखते ही हो 3-3 बैचेस और तीनों में किसी में चेयर पर बैठे हो, तो बता दो मुझे। तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। सबसे पहली एक्सरसाइज क्या करनी है, जिसको भी नी पेन है हल्का हल्का, 1 ज्यादा ऊपर नहीं फेंकना पैर को, ये देख लीजिए पैर की पोजिशन। अब इस एक्सरसाइज को आप चेयर पर भी बैठ के कर सकते हो, मस्त स्ट्रेच काफ्स मसल्स, बहुत बढ़िया। हाँ ये जो स्ट्रेचेस कराए यही तो सारी आपकी बॉडी को खोलेंगे, और जिसने 1 घंटा एंजॉय करना सीख लिया वो बॉडी अलग अलग पार्ट को नहीं देखा, उसका सारा शरीर स्वस्थ है। तो ये है, लेकिन इसी में अगर इनके पैर सही है तो आप हाई किक, 1, लेकिन घुटने के दर्द में इतनी ऊपर पैर ले जाना मना है। दोनों में डिफरेंस बता रही हूँ ताकि बच्चे भी हैं, ठीक है, सामने भी बच्चे भी हैं, तो जो बच्चे हैं वो तो 1 2
थ्री, हाथों को फ्री छोड़ के ये आपकी कोर मसल्स भी, बेली पैड भी करो गुड़िया। हाँ जरा आगे को आ जाओ और खुला खुला ऐसे ए, ये जिसके नी पेन में है, नी में पेन है वो मत उठा लेना, यूं पता लगे कि वो हाथ अटक गया, मसल यहीं अटक गई। तो वो क्या करेंगे, लेकिन ना मुझे तो ऐसा करना है, इसकी साड़ी सफेद कैसे। तो आप ये करोगे बस, मान ही नहीं सकती किसके बाद कोई पेन बच सकता है। दूसरी एक्सरसाइज है योग की सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया है, एक कार्डियो बता रही हूं एक योग बता रही हूं, ठीक है। योग की है 30 डिग्री पर उठा के, ये प्रॉपर योग की गुल्फा तलपात पृष्ठ शक्ति का सक है, लंबा नाम है, इसलिए बस तुम ये याद कर लो कि 30 डिग्री पर उठा के अगर बैलेंस नहीं बनता तो आप सहारा लेके करोगे, लेकिन पोस्चर यही होना चाहिए 30 डिग्री पर उठाकर। चल छैया 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 छैया, अपने आप गाना गा के नाच भी लिया करो थोड़ा सा। यह दूसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज है ज्यादा नीचे नहीं जाना, कि तुम जा सकते हो बच्चे, हाँ तुम जा सकते हो अपनी एज में 55 एज में। चौथी एक्सरसाइज फिर से कार्डियो, पूरे हाथ घुमा के कमर को ट्विस्ट करते हुए बैंड करते करो। बुढ़ी और ऊपर बैठ जा रहा है ऐसे, और ऊपर, हाँ और ऊपर, कमर को भी घुमा दो ऐसे, कमर को भी घुमा दो, सांस को छोड़ो छोड़ो सांस को। 1 2 3 4, किसी ने घर में फैन तो नहीं चला रखे, हम तो अपने बंद कर रहे हैं और आप अपने घर में चला रखे हैं फैन, बंद कर लो अगर किसी का चला हुआ है तो। अभी चलाएंगे 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद। जरा फिर इसी चीज को पीछे से, पीछे से तुम पीछे घूम जाओ, अपोजिट को छूना है। 1 2 3, बिल्कुल धीरे धीरे पैर उठे या ना उठे थोड़ा स्लोली। जिनको भी नी पेन है बैक पेन है बैठो, अब मुझे देखो तुमने 40 कर ली, हाँ अब क्या करना है, बैठ जाओ पहले बैठो, जो थक गए हैं जिनका सांस फूल रहा है बैठो, जिनको बैक पेन है नी पेन है उनके लिए नहीं है ये एक्सरसाइज। आराम से सांस को छोड़ते हुए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या स्ट्रेच आ रहा है, सबके लिए नहीं है। जिनको नी पेन है बैक पेन है वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे, ठीक है आप करोगे, आप नहीं करोगे मेरे को, धीरे 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 धीरे, एक पैर मैट से बाहर निकालो दूसरा पैर बाहर निकालो, पहला अंदर लाओ दूसरा अंदर लाओ फिर से वापस चलो, धीरे 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 धीरे, रोके रहो नीचे पादहस्तासन की प्रैक्टिस हो रही है, ये पादहस्तासन की
बाकी जो लोग सामने नहीं कर पा रहे वो सिर्फ वेरी गुड फिर से क्योंकि सभी चीजें सबके लिए नहीं होती बिल्कुल हिसाब से करेंगे अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लग रही है तो मेंबर्स की मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें 25 मिनट का वर्कआउट हो चुका है थोड़ा हिप नीचे करो शिल्पे हाँ हिप तुम्हारे ऊपर है अभी ताकत नहीं आई मज़ा नहीं आया देखने में तो अगर ये वीडियो यूजफुल लग रही है तो हमें समर्थन दीजिए लाइक का बटन दबाकर ठीक है और ये भी बताइए कि वीडियो को अपलोड किया जाए या डिलीट किया जाए मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए जितना समर्थन होगा तो वीडियो अपलोड कर दी जाएगी नहीं तो लाइव आते ही हैं अगर आपने करना ही नहीं है तो अपलोड करके क्या करनी है किस लिए यूट्यूब वालों का वजन बढ़ाएं फिर भी कोई क्वेश्चन आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए अदरवाइज़ किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जिसका समाधान नहीं मिल रहा है तो हमारी ऑनलाइन जूम क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं सुबह शाम दोनों टाइम सेशन ये लगते हैं ठीक है अगर डाइट काउंसलिंग चाहते हैं तो भी पर्सनल टाइम ले सकते हैं आप देखते रहिए स्वस्थ रहिए अंतस्योग